Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan ma'am. Welcome my little mathematician to the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination, providing classes for first to 10th. Or I can say that the one and only destination providing you the concept-based learning. Okay, so here I'm back with an amazing session of money. Yes. मनी मनी तो सबको पता है क्या होता है राइट तो आज हम उस मनी के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे राइट सो टिल देन आप देख सकते हैं ठीक है यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज आल्सो सो आई एम सेइंग दैट स्विफ्टन इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन व्हाई इट इज सो बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग 100% लाइव एंड इंटरक्टिव क्लासेस पर्सनलाइज अटेंशन बैच विद मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स अ डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम इज देयर टू ट्रैक एंड वर्क ऑन योर प्रोग्रेस Okay, so on the whole, we are tracking you every time, okay? Syllabus, CBSE, ICSE, State Board, all the syllabus are covered here. Now, when I'm talking about detailed progress report, so it is nothing but PTM. Alright, so parents-teacher meeting, जहाँ पे आपके parents के साथ मिलके we discuss your reports, your actually, how you're doing in classes, how you're doing in monthly test, how you're doing in homework, so all that thing are discussed in this particular PTM. Now, when it comes to take unlimited practice test and subjective test, let me take them together. So, it means that suppose now we are teaching you a chapter or chapter over ho gaya. ठीक है अब उसके बाद concept आते हैं हमने आपका test भी ले लिया but again आपको और questions चाहिए practice के लिए and with other than that आपके पास time है आप कुछ questions करना चाहते हैं कि examination point of view के लिए आप अपना revision करना चाहते हैं So for that we will be providing you unlimited practice test जो आपके पैनल में अवेलेबल होगा आप जब भी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं ओके तो दोनों के लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो नाउ स्विफ्टन अकेडमिक टेस्ट सीरीज वंस यू विल बी इन स्विफ्टन यू विल बिकम स्विफ्ट लर्नर तो जब आप स्विफ्ट लर्नर बन जाएंगे तो बाय दिस टेस्ट सीरीज आप अपनी ही एज ग्रुप के आई मीन अपनी ही क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं विद दिस एकेडमिक टेस्ट सीरीज और अगर आप टॉप करेंगे लीडर बोर्ड पे राइट सो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा ओके सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइबर्स प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट भाई कोई अपडेट मिस नहीं करना है बार बार मैम बोलती हैं बहुत सारे न्यू न्यू सेशंस आ रहे हैं बहुत सारा कुछ न्यू न्यू सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं सो फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन अलॉन्ग विद सब्सक्राइब बटन हाँ सब्सक्राइब भी करेंगे ठीक है तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट्स कॉल्ड मनी एंड मनी राइट सबको पता है मनी मीन्स पैसा पैसा यस ओके सो व्हाट आर गोइंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास अंडरस्टैंडिंग मनी एंड करेंसी एंड बेसिकली हाउ वी कैन कन्वर्ट रूपी इनटू द पैसा राइट वेरी सिंपल बहुत सिंपल है चलिए चलो वही तो बहुत पुराने टाइम पे आ गए हो So in old times money was not involved at all. You know money था ही नहीं पहले जो पैसा हम you know money आज के डेट में हम एक्सचेंज करते हैं मार्केट जाते हैं सामान लेके आते हैं पहले ऐसा कुछ भी नहीं था तो कैसे होता था अभी सामान लेना तो पड़ता था ना पीपल एक्सचेंज देयर गुड्स एज पर द नीड सपोज इज दीज आर द टू सो आई नीड दैट स्टिक ही सेइंग आई नीड योर आर्च लेट्स एक्सचेंज सिंपल पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी पड़ी क्या नहीं पड़ी ना उन्होंने बोला मुझे आपका ये सामान चाहिए इन्होंने बोला मुझे आपका ये सामान चाहिए दोनों ने एक्सचेंज कर लिया काम खत्म राइट सो लेट अस अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल नाउ व्हाट हैपेंड कैन आई गेट दोज एप्पल्स अगेंस्ट माय चिकन्स क्या मुझे वो एप्पल्स मिल सकते हैं मेरे चिकन्स के बदले में यस आई वांट दोज चिकन्स ठीक है आप मुझे चिकन्स दे दो आप एप्पल ले लो दोनों का काम चल गया है ना यस yes? Let us exchange them. Yeah, sure. They exchange goods. अब एप्पल इनके पास आ गए चिकन इनके पास चले गए तो पैसों की जरूरत पड़ी क्या बिल्कुल भी नहीं पड़ी बहुत सिंपल सा लॉजिक था मुझे आपका सामान चाहिए आपको मेरा सामान चाहिए हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं क्लियर तो ये जो सिस्टम होता था जो पुराने टाइम पे बहुत यूज होता था दिस वर्क वॉज बार्टरिंग ठीक है बार्टर सिस्टम कहते थे और बार्टरिंग भी कह सकते ठीक है तो मुझे जो चाहिए मैंने वो आपसे ले लिया आपको जो मतलब जो दोनों को चाहिए था हमने अपने जो गुड्स थे वो एक्सचेंज कर लिए ठीक है दैट सिस्टम वाज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम क्लियर है तो पुराने टाइम पे बहुत बहुत पुराने टाइम पे ऐसा ही होता था तब तक कोई मनी नहीं
आफ्टर दैट बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद द बैटरी. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, सोच सकते हैं प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है. कैन आई गेट दोज एप्पल्स अगेंस्ट माई चिकन्स. तो उन्होंने कहा नो, ठीक है ले सकते हो बट मुझे तो शू चाहिए मेरे एप्पल के बदले. उनको चिकन्स की जरूरत ही नहीं है, वो वेजिटेरियन है. मे बी कोई भी स्टोरी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, बट आई एम जस्ट सेइंग. उन्होंने बोला कि मुझे चिकन्स नहीं चाहिए, आई मीन मुझे चिकलेटिन्स नहीं चाहिए, मुझे आपके शूज चाहिए. ही वेंट टू अदर गाय टू गेट द शूज. अब वो दूसरे के पास चले गए. ठीक है, कैन आई गेट दो शूज अगेंस्ट माई चिकन्स, बट आई नीड ऑरेंजेस अगेंस्ट माई शूज. तो वो ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं आपको शूज तो दे दूंगा लेकिन मुझे शूज नहीं चाहिए, मुझे शूज के बदले चिकन्स नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंजेस चाहिए. अब इनको जरूरत तो ऑरेंज की है, मिल उनको चिकन्स रहे हैं, तो क्या ये एक्सचेंज बार्टरिंग सिस्टम काम करेगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं करेगा. सो बार्टरिंग सिस्टम के और बार्टर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स थे. दैट वॉज डिफिकल्ट. भाई मुझे जो जरूरत की चीज़ है, जरूरी नहीं है ना कि वो हर किसी के पास अवेलेबल हो. अनफेयर था. अनफेयर कैसे था भाई? आप कह सकते हैं कि आप चिकन्स आते हैं, या आप, मैं आपके एप्पल्स की बात करूँ तो एप्पल्स के कंपैरिजन में चिकन्स तो बहुत महंगे होते हैं, या अगर एप्पल विदाउट सीजन की बात करें तो वो भी महंगा होता है. तो डिपेंड करता है, बहुत अनफेयर था. ठीक है, मैंने आपको बोला आप मेरी पेंसिल ले लो, उसके बदले में आप मुझे बुक दे दो, तो अनफेयर है ना. पेंसिल तो हार्डली 10 रुपीज़ की होगी, कितनी भी अच्छी पेंसिल होगी. बुक्स तो 100 की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 1000 रुपीज़ की भी हो सकती है. तो कितना अनफेयर है ना. दैट्स गॉड एंड इनएफिशिएंट, मतलब अवेलेबिलिटी भी नहीं होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, बट इन करेंट टाइम वी हैव समथिंग कॉमन टू अगेन टू गिव अगेंस्ट गुड्स. हम सबके पास एक चीज़ है एंड वॉट वी कॉल दैट. अगर हमें पॉपकॉर्न लेना हो तो हम क्या करते हैं? यस, पैसे दे दो, पॉपकॉर्न ले लो, कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड. अभी हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम, अगर मुझे उनसे पॉपकॉर्न लेने हैं तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, या पॉपकॉर्न वाले को ये नहीं सोचना होता है पॉपकॉर्न वाले को पैसे चाहिए तो वी विल गिव देम मनी, वो हमें पॉपकॉर्न दे देंगे. तो बहुत ईजी हो गया ना. तो अगर ये जो आपके हाथ में जो नोट्स दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दैट्स कॉल्ड टू बी द, इफ यू वॉन्ट टू बाई वेजिटेबल्स, आपको क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली मनी. ठीक है, अब सुनते आए मनी. तो मनी क्या है? मनी द अमाउंट कि हम कितना उनको पे करेंगे सो दैट वो हमें वेजिटेबल्स दे दे. पहले तो हम क्या करते थे, पहले हम जो हमारे पास सामान होता था वो उनको दे देते थे, वो हमें बदले में वेजिटेबल्स दे देते थे. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं. उनको बोलो, वो कह रहे हैं कि हमें आपका सामान नहीं चाहिए, मेरे के पास ऑलरेडी है. ठीक है, तो चलिए ब्रेड की शॉप पे चलते हैं. अगर ब्रेड खरीदने हो, केक्स खरीदने हो तो क्या चाहिए होगा? मेरे ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर के नोट्स है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड नथिंग बट मनी. पैसा चाहिए होता है. अब मनी को देखो पैसा ही बोलते हैं हिंदी में, बट पैसा तो एक्चुअली पैसे. अभी बताती हूँ क्या होता है. ठीक है, सो इन इंडिया वी यूज रुपी टू बाय सम गुड्स. हम रुपी यूज करते हैं ना जब भी हमें कोई सामान खरीदना होता है, हम रुपी यूज करते हैं. और अब पहले आपको पता था ना कि रुपीज का पहले हम आर एस लिखते थे. आप तो अभी छोटे स्टूडेंट्स, पहले हम रुपीज को आर एस लिखते थे, बट अब हम रुपीज को ऐसे लिखते हैं. दिस इज द न्यू सिंबल फॉर रुपीज. पहले हम सीधा आर एस लिखते थे और हिंदी में ऐसे लिखते थे, बट अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम ऐसे करके लिखते हैं, मेंशन करते हैं. क्लियर है? तो चलिए, बट वी कैन बाय पॉपकॉर्न इन अदर कंट्रीज. अब मेरे पास रुपीज हैं, इंडियन रुपीज हैं मेरे पास, क्या मैं दूसरी कंट्री में जाके पॉपकॉर्न खरीद सकती हूँ? यस, नो, नेवर. वी कैन नॉट बाय थिंग्स यूजिंग रुपी और पैसा इन अदर कंट्रीज. या बाहर के जो हमारे पास यू नो फॉरनर्स आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्या वो अपने डॉलर से या जो उनके पास जो करेंसी, जो उनके पास जो नोट्स हैं, क्या उनसे वो हमारे यहाँ की चीजें खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते. राइट, सो क्यों? क्योंकि हर कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है. अब करेंसी क्या है? करेंसी इज नथिंग बट मनी रिप्रेजेंट. मनी आपके पास जो नोट में है उसको हम करेंसी बोलते हैं. व्हाट इज करेंसी देन? तो करेंसी होता है द मनी यूज्ड बाय अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी. हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है. जैसे यहाँ की करेंसी है रुपीज, तो ये किसकी करेंसी है? येन. ये है जापान की, यूएसए की. वेरी सिंपल, डॉलर्स तो सबको पता है ना, डॉलर्स, ये डॉलर का ही साइन है और ये येन का साइन है. तो ये जापान की,
करेंसी है और ये डॉलर जो है वो यूएसए की करेंसी है. बहुत सिंपल. तो इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी है रुपी. रुपी. ठीक है, आई होप सबको क्लियर. अब आपने सब सबको सपने देखे होंगे, 500 का नोट, 2000, ये सारे नोट्स अभी 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 कुछ कुछ नोट्स तो अभी आ ही रहे हैं अब इनकी, है ना. तो ये सारे नोट्स चेंज हो गए हैं, पहले ही कुछ कैसे और होते थे आपको पता ही होगा, और अभी नोट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, है ना. पिछले कुछ 4 और 5 ईयर्स में 200 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, ये देखो यहाँ पे, और सब में देखो ये स्तंभ है, ये देखो अशोक स्तंभ लगा हुआ है. ऑल राइट, सो लेट्स सी द कॉइन्स ऑल्सो. तो कॉइन्स भी होते हैं, देखो ये 1 पैसे का कॉइन है, ये 2 पैसे का कॉइन है, ये 5 पैसे का कॉइन है. हालांकि अभी बहुत टाइम से पैसे यूज नहीं होते हैं, ठीक है. अभी तो पैसे होते ही नहीं है यूज, अभी सिर्फ फुल होल नंबर में काम चलता है. 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी 4, उसके पैसे उससे कम का पैसे कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है. ये 10 पैसे का कॉइन है, ये 25 पैसे का कॉइन है. मतलब आई रिमेम्बर कि 25 और 50 पैसे का कॉइन हमने यूज किया है, बट 10 पैसे का तो हमने भी यूज नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप तो कैसे यूज करेंगे, राइट. और मोस्ट ऑफ द टाइम 50 पैसा, 25 पैसे का फिर भी बहुत कम यूज होता था, ठीक है, जब हम यू नो वी वर छोटे छोटे. ओके, ठीक है. तो ये सब पहले के बहुत 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 पहले टाइम की बात है कि 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा और 10 पैसा 25 पैसा 50 पैसा यूज होता था. अब मोस्ट ऑफ द टाइम 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपीज आपने देखे होंगे. लेकिन क्या डिफरेंस है ये जो मैंने आपको नोट्स दिखाए जिसमें रुपी लिखा हुआ था, और ये जो मैं आपको कॉइन्स दिखा रही हूँ जिसमें पैसा लिखा हुआ है, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? तो चलो देख लेते हैं क्या कनेक्शन है. 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. आई थिंक यू गाइज कैन सी दिस. ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका 1 रुपी का 1 पैसे का कॉइन है. अगर मैं ये आपका 100 पैसे का, अगर मैं 1 1 1 1 1 1 पैसे करके बहुत सारे पैसे रखूं, ये देखो ऐसे करके मैं 100 पैसे यहाँ पे कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे 100 पैसे कर दूं, तो दैट विल बिकम, वो क्या हो जाएंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे सब ऐसे ऐसे करके आपने 100 पैसे, ठीक है, पैसों की बात हो रही है, रिमेंबर 100 पैसे. ये देखो ये 1 पैसा होता है, ये देखो ऐसे ही करके अगर मैं 100 पैसे कर दूं, तो वो 100 पैसे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 1 रुपी. तो इट मीन्स दैट, ये देखो, अगर 1 पैसे को मैं 100 टाइम्स में 1 पैसे को कर दूं, मीन्स मैं 100 पैसे रख दूं, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? 1 रुपी बन जाएगा. ये लेटेस्ट वाला है, ये देखो आप 2019 का ये देख सकते हो, उसमें ये वाला सिंबल भी है रुपी का, ठीक है, समझ में आया. तो मतलब 1 रुपी के लिए आपके पास कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. क्लियर है बच्चों? आई होप ये सबको क्लियर है, ये 100 पैसे हो जाता है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, ठीक है. तो मतलब 1 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 अगर हम रखेंगे तो कितने पैसे, कितने बन जाएगा? 1 रुपी. तो 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे, ये आपको याद रखना है. अच्छा, अगर अब मेरे पास 50 पैसे होंगे तो 50 पैसे मुझे कितने रखने पड़ेंगे कि वो 1 रुपी बन जाए? या मैं 1 रुपी को ऐसे लिख देती. तो देखो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100. तो 50 तो मेरे पास है ही, तो अगर मैं एक और 50 ले आऊं, अगर मैं एक और 50 ले आऊं, तो मेरे पास यहाँ पे भी 100 पैसे हो जाएंगे. और 100 पैसे का मतलब क्या होता है? 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपी. तो मतलब मुझे 2 50 पैसे, मतलब मुझे 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? 2 कॉइन्स चाहिए होंगे, तब जाकर वो 1 रुपी बनेगा. क्लियर है? ऐसे 25 पैसे का सोचो, अगर मेरे पास 25 पैसे हैं, तो मैं, मेरे पास कितने 25 पैसे होने चाहिए कि मेरे पास 1 रुपी बन जाए? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 25 पैसे 25 पैसे का बन गया 50 पैसे, 25 पैसे 25 पैसे का बन गया 50 पैसे, 50 पैसे 50 पैसे का बन गया 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब बन गया 1 रुपी. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1 पैसे का कॉइन है तो 100 कॉइन्स होने चाहिए,
20 पैसे के कॉइन्स है तो 4 कॉइन्स होने चाहिए, और अगर 50 पैसे का कॉइन है तो कितने होने चाहिए? 2 कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है ना? आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। ओके तो चल लेट्स गो बैक। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करें हम रुपीस को पैसे में? तो देखिए, जब भी हमें रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना होता है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी सिंपल। जब भी किसी रुपीस को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, ठीक है? जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं और हमारे पास 1 का अमाउंट होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 1 जो पेंसिल है वो आपकी कितने की है? 10 रुपीज की है। तो आपके पास 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी? कितने की हो जाएंगी? तो आप यही करते हैं ना, इफ द अमाउंट ऑफ 1 पेंसिल इज 10 रुपीज, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल? तो आप बोलते हो मैम 50। तो आपने मल्टीप्लाई किया ना 1 वाले से। तो यहाँ पे भी वही करना है, बिकॉज वी नो दैट कि 1 रुपी में आपके पास 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपको 10 रुपीज में निकालना है या आपको 5 रुपीज में निकालना है, तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट रुपीज विद द 100। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो देखिए, 10 रुपी में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 पैसे। 100 रुपीज में कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 पैसे। तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम क्या कर रहे हैं? हम 100 पैसे से जो भी रुपीज को हमें कन्वर्ट करना है उसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स इट। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद द 100। ओके गाइज, नाउ कन्वर्ट 7 रुपीज इंटू 7 पैसे। 7 रुपीज है तो कितने पैसे होंगे? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको अभी बताया कि 1 रुपी बनाने के लिए हमें 100 पैसे चाहिए होते हैं। तो 7 रुपी बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? सोचो बिना करे। आई थिंक इट इज वेरी इजी, देयर इज नो नीड टू पिक अ पेन फॉर दिस। यस, वेरी सिंपल। अगर 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं तो 7 रुपीज में 700 पैसे हो जाएंगे। यस और नो? क्लियर? तो ये बोलते हैं यूनिटरी मेथड, या पढ़ेंगे इसको हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि हमें 1 का पता है तो हमने 7 का निकाल दिया। और ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपको अगर 1 का अमाउंट पता हो और आपको बहुत सारे का निकालना हो, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई। अभी देखो ये वाला आ गया। अभी ये आपको सर ने डेसिमल में सिखाया होगा ना, सर ने डेसिमल की क्लासेस ली थी, सर ने जरूर सिखाया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू द पैसा। अब इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है, मतलब इतने रुपीज अगर मेरे पास हैं, वैसे तो 0.45 रुपीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट फिर भी, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मतलब मेरे पास कितने हैं? 45 पैसे। मेरे पास कोई रुपी वुपी नहीं है, ये तो रुपी ऐसे ही लगा दिया। आई हैव ओनली 45 पैसे। अब आपको पता है कि जब भी हम, अगर नहीं पता है डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेट मी टेल यू, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर के पीछे आप उतने जीरो लगा दिए, ठीक है। जैसे मुझे 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं 25 के पीछे 2 जीरो लगा दूंगी, दैट विल बिकम 2500। सो एज इट इज आई हैव डन हियर, व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 0.45 बाय 100, आई हैव रिटन 45 एंड 2 जीरोस ऑफ दिस 100। नाउ बट दिस इज अ डेसिमल नंबर, सो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी प्लेसेस प्लेस वैल्यूज आर देयर? 2। सो आई एम गोइंग टू प्लेस अ पॉइंट from here after 2, so that's become 45 पैसे। It's very simple, try to understand। अगर मैंने आपको बोला 0.25 रुपीज में कितने पैसे हैं, तो पहले तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं, ठीक है, इसमें कितने पैसे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.25 बाय 100। तो आपने जब 100 से किया, तो पहले आपने ऐसे लिखा, क्योंकि 25 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2500 आएगा। बट दिस वाज नॉट 25, क्योंकि ये 25 नहीं था, तो क्योंकि 25 एक डेसिमल नंबर था, और डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स, कितने नंबर्स थे? 1, 2। तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड से 2 के बाद डेसिमल वैल्यूज लगा दूंगी, एंड दिस विल बिकम माई 25 पैसे। और वैसे भी दिख रहा है बच्चों, वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप 0.45 लिखोगे तो 0.45 इज नथिंग, बट 45 पैसे कितने में से? 100 का मतलब 1 पैसे होता है। किसी भी सेंस में आप कर सकते हो। देखो 45 है अपॉन 100 हो गया, तो इसका मतलब क्या है?
और ये 100 तो अपने आप कुछ नहीं है बट 1 रुपी है, तो 1 रुपी में 45 पैसे, किसी भी सेंस से आप इसको कर सकते हैं। 5 रुपीज, वेरी सिंपल, तो 5 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 500, सो सिंपल, 1 रुपी में 100, तो रुपीज 5 में 500। ओके, देखो कितना छोटा सा सेशन था, कितना मजा आ गया। चलो ओके, लेट मी डू इट। ओके, सो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव बेसिकली एवरीथिंग अबाउट मनी एंड करेंसी। तो मनी क्या होता है भाई, वो ही चीज जिससे हम जाके मार्केट में सामान खरीदते हैं, दैट्स इट। ठीक है, द मनी आर द नोट्स आर द कॉइन्स व्हिच वी यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्योंकि हमें तो हमें शॉपकीपर से सामान चाहिए, तो शॉपकीपर से हम सामान लेंगे एंड वी विल गिव देम मनी। करेंसी हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, अपना अपना मनी सिस्टम होता है, दैट्स कॉल्ड द करेंसी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया, सो थैंक यू। लेट्स वाइंड अप द सेशन हेयर ओनली, एंड दोज हु वर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। इसके बाद सेकंड सेशन में हम कन्वर्ट करेंगे बिग बिग रुपीज को पैसे में, और हम हो सकता है पैसों को भी रुपीज में कन्वर्ट करें। ओके, सो टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड यस कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। ओके, because maths is all about practicing. So bye bye, take care.